ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के ऊपर जो ड्रग्स हमारे पास अफेक्ट करती हैं, हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे। और उन ड्रग्स के अंदर हमने सबसे पहली क्लास जो डिस्कस करनी स्टार्ट करी थी, दैट इज हिमाटिनिक्स, राइट। हिमाटिनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। और हिमाटिनिक्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट आता है आयरन, हमने उसके बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या चीज है? एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली क्या है? एरिथ्रोपोइटिन हमारी बॉडी में किडनी के अंदर सिंथेसाइज होने वाला एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमारे पास हेल्प करता है इन वेरियस हमारे पास ब्लड रिलेटेड और जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर। अभी हमारी बॉडी के अंदर जो एरिथ्रोपोइटिन है वो सिंथेसाइज कब होता है? जनरली हमारे पास अगर हाइपोक्सिया जब हो जाता है तब उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के केस में हमारे पास क्या हो जाता है? एरिथ्रोपोइटिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है हमारी किडनीज के अंदर सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन जो है वो लिवर के अंदर भी सिंथेसाइज होता है। और जब हमारे पास किडनी फेलियर हो जाता है तो जो ये लिवर वाला जो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास जनरेट होता है दैट इज हेल्पफुल। अभी हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन का आता है कि फंक्शन क्या क्या है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रोलिफरेशन। जो हमारे पास ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है उसका जो प्रोसेस है उसके अंदर रेगुलेशन का काम करता है एरिथ्रोपोइटिन। और हमारे पास जो ये प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है बोन मैरो के अंदर उसको हमारे पास स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन। और जब हमारे पास और उसके अलावा हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को भी हमारे पास स्टिमुलेट करता है। और अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो तो वो इंडिकेट करता है कि किडनीज जो है वो डैमेज हो गई है। और उसके अलावा हमारे पास पेशेंट को एनीमिया हो गया है। और हमारे पास अभी जो हम अभी हमारे पास क्या होता है कि हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो थ्योरी जो हमारे पास डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसके यूज से हम क्या करते हैं एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस कर लेते हैं। और हम उसको एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हो जाए या फिर हमारे पास प्री मेच्योर बेबीज में जो एनीमिया हो जाता है या फिर जो हमारे पास एड्स के पेशेंट होते हैं जो कि AZT हमारे पास कंज्यूम कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हाइपोटेंशन कॉज करता है। और हमारे पास इसकी 25 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो पर केजी हमारे पास 3 times per week इसकी डोज जो है वो दी जाती है। सो क्या होता है एरिथ्रोपोइटिन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाए ठीक है तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम हिमाटिनिक्स देते हैं। अब हिमाटिनिक्स के अंदर जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था? आयरन और आयरन के सप्लीमेंट्स। और आयरन के सप्लीमेंट्स के अंदर हमने फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस ग्लाइसिन सल्फोनेट के बारे में पढ़ा, राइट। तो अब हमने उसके साथ ही पढ़ा था कि फेरस की वजह से हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग और हमारे पास उसके अलावा हमारे पास GIT इरिटेशन कॉज करता, राइट। तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है, उसके अलावा एक और ड्रग है एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ सिंथेसाइज होता है? किडनी के अंदर सिंथेसाइज होता है और लिवर के अंदर भी सिंथेसाइज होता है। अब जनरली हमारे पास ये बहुत कम अमाउंट में सिंथेसाइज होता है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? एरिथ्रोपोइटिन हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन इन द बोन मैरो। अब हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन करता क्या है, क्या काम होता है एरिथ्रोपोइटिन का? ये स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन को, डिफरेंशिएशन को और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को। तो एरिथ्रोपोइटिन जब हमारे पास ये स्टिमुलेशन कॉज करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि एरिथ्रोपोइटिन की वजह से हमारे पास अगर एरिथ्रोपोइटिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि या तो किडनी डैमेज है पेशेंट के अंदर या फिर पेशेंट को एनीमिया हो गया। और क्योंकि अगर एनीमिया हो गया तो हमारी बॉडी क्या करती है? एरिथ्रो
एरिथ्रोबोटिन ज्यादा सिंथेसाइज करने लग जाती है, राइट? और एरिथ्रोबोटिन अगर ज्यादा सिंथेसाइज करने लगी है, उसका क्या मतलब है कि बॉडी के, बॉडी को ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, और हमारे पास उस वजह से आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं है। सो अब हमारे पास एनीमिया को ट्रीट करने के लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, एरिथ्रोबोटिन की सिंथेसिस कर लेते हैं और एरिथ्रोबोटिन को यूज करते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। प्री मेच्योर बेबीज के अंदर जब हमारे पास एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया जो हमारे पास रीनल फेलियर की वजह से हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एरिथ्रोबोटिन दिया जाता है। और उसके अलावा एड्स के जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी हमारे पास एरिथ्रोबोटिन दिया जाता है। अब एरिथ्रोबोटिन के हमारे पास क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज कर देता है। सो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हेमाटेनिक्स के अंदर विटामिन B12। सो हमारे पास विटामिन B12 भी यूज करते हैं। अब विटामिन B12 को जनरली, और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों का हम बोलते हैं मैचुरेशन फैक्टर्स। तो बेसिकली आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए आयरन और एरिथ्रोबोटिन रिक्वायर्ड होता है, और आरबीसीज के मैच्योर होने के लिए हमारे पास विटामिन B12 चाहिए होता है। अब विटामिन B12 हमारे पास होता क्या है, एक कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है हमारे पास, जिसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास विटामिन B12 है, ये सिर्फ मैचुरेशन के लिए नेसेसरी है। और हमारे पास विटामिन B12 जो है, ये हमारे पास इसके सोर्सेस क्या क्या है, जनरली हमारे पास एनिमल सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि एनिमल लिवर से, या फिर एनिमल की किडनीज से, या फिर एग से, या फिर मिल्क से हमारे पास जो विटामिन B12 है उस वो हमें वहाँ से ऑब्टेन होता है। अब उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे कोलन के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी विटामिन B12 को सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर लेकिन जो हमारे पास जो ये विटामिन B12 है, इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास ये इंट्रिंसिक फैक्टर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाए, तो हमारे पास जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और उसके अलावा वन ऑफ द वेजिटेबल सोर्स जो हमारे पास विटामिन B12 का है, वो है हमारे पास लेग्यूम्स जो होते हैं, वहाँ से हमारे पास विटामिन B12 जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। अब जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन B12 की, वो हमारे पास इलियम से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ये हमारे पास होती है इंट्रिंसिक फैक्टर के हेल्प से। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है उसके जो पेरिएटल सेल्स होते हैं, वो हमारे पास ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जनरेट करते हैं। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। जब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, तब हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ अमाउंट्स ऑफ जो विटामिन B12 है वो डिफ्यूजन से हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और उसके अलावा हमारे पास जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, वो हमारे पास कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो हमारे विटामिन B12 के। और लेकिन जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है, वो हमारे पास विटामिन B12 के प्रेफर नहीं किए जाते। और उसके अलावा जो ट्रांसफ़र होता है हमारे पास विटामिन B12 का, वो ट्रांसकोबालामीन नाम का एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और हमारे पास जो विटामिन B12 है, इसकी स्टोरेज लिवर में हो जाती है, इसकी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, ये बाइल के अंदर एज इट इज एक्सक्रीट हो जाता है। और विटामिन B12 जो है, ये प्लासेंटल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता है। हमारे पास अगर विटामिन B12 डाइट के अंदर लेना बिल्कुल बंद कर दें, तो हमारे पास कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे विटामिन B12 की जो अब लेवल है उसको डिक्रीज करने के लिए बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे पास लिवर के अंदर स्टोरेज होता है। तो हमारे पास हाई चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास मीट और ये मिल्क वगैरह कंज्यूम नहीं करते, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हमारे पास क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12? सबसे पहले तो हमारे पास DNA की जो सिंथेसिस होती है, उसके अंदर विटामिन B12 चाहिए होता है। उसके अलावा अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B12 की, तो हमारे पास जो भी ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं हमारे पास, और उसके उनको अफेक्ट करता है, और हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड की डीजनरेशन हो जाती है। और
उसके अलावा हमारे पास जो सेंसेशंस होती हैं पोजीशन की, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे बॉडी के, वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास लास्ट स्टेज के अंदर हमारे पास मेमोरी, कंफ्यूजन, हेल्यूसिनेशन, साइकोसिस कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12। और उसके अलावा हमारे पास जो विटामिन बी12 है, ये फॉलिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके साथ भी इंटरलिंक्ड होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉलिक एसिड है उसकी जो फंक्शनिंग है प्रॉपर, वो हमारे पास विटामिन बी12 के प्रेजेंस में होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो अब क्या रिलेशन होता है हमारे पास विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड के अंदर, जो विटामिन बी12 होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिक एसिड को उस स्टेट में रखने के लिए जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो फॉलिक एसिड जो है वो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड के फॉर्म में हमारे पास बॉडी में रिक्वायर्ड होता है और इसी फॉर्म में हमारे पास एब्जॉर्ब होता है। सो अभी क्या हो जाता है, हमारे पास टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड जो है वो एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास गेन कर लेता है और मिथाइल ग्रुप के साथ जब रिएक्शन करता है तब हमारे पास 5-methyl टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। और जो ये मिथाइल फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है, ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर फॉलिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और इसके अलावा हमारे पास टॉक्सिक न्यूरोलॉजिकल और फैटी एसिड हमारे पास प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं क्योंकि हमारे पास एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है मिथाइल फॉलिक एसिड की। हमारे पास जो विटामिन बी12 होता है वो क्या करता है, मिथाइल फॉलिक एसिड जो है उसको वापस कन्वर्ट कर देता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड के अंदर THFA के फॉर्म के अंदर, और जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर वापस से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी12 की तो हमारी बॉडी के अंदर मिथाइल फॉलेट का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो हमारे पास एबनॉर्मल फैटी एसिड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। और क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं हमारे पास विटामिन बी12 के, सबसे पहले हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास, अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड जब हमारे पास मैचुरेशन नहीं होती और हमारे पास डिफेक्टिव आरबीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक और टाइप का एनीमिया कॉज करता है विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी, विच इज नोन एज पर्निशियस एनीमिया। अब पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, अब हमने जब एब्जॉर्प्शन डिस्कस करी थी विटामिन बी12 की तब हमने डिस्कस करा था कि विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है ये हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पेरिटल सेल्स होते हैं वो हमारे पास सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास विटामिन बी12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और अगर हमारे पास विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे पास बॉडी के अंदर परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। और ये जो परनीशियस एनीमिया होता है ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज है, और ये क्यों होती है, जब हमारे पास जो पेरिटल सेल्स हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, और उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन नहीं होती। अब उसके अलावा हमारे पास विटामिन बी12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं, GIT डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे पास डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की, और हमारे पास पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज हो जाती है, मेमोरी पुअर हो जाती है, डिप्रेशन कॉज हो जाता है। और जो अब हमारे पास जो विटामिन बी12 है उसके हमारे पास कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स जो है वो नोट नहीं किए गए, लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अब क्या हमारे पास प्रेपरेशंस यूज होती है विटामिन बी12 की, सबसे पहले तो हमारे पास साइलोकोबालामीन यूज होता है 100, 500 या फिर 1000 माइक्रोग्राम पर ml की हमारे पास डोसेज आती हैं। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्सीकोबालामीन यूज होता है, उसका भी सेम हमारे पास 100, 500 और 1000 माइक्रोग्राम पर ml की डोसेज आती हैं। और अब हमारे पास यूजेस क्या क्या हैं, तो हमारे पास विटामिन बी12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर हमारे पास यूज किया जाता है विटामिन बी12 के जो प्रिपरेशन है, पर्निशियस एनीमिया के अंदर यूज किया जाता है, और जो हमारे पास कुछ ऐसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर भी हमारे पास विटामिन बी12 जो है वो यूज किया जाता है। विटामिन बी12 के बाद जो नेक्स्ट हेमाटोनिक आता है हमारे पास, दैट इज
भी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा लिवर, एग, मीट के अंदर बेसिकली हमारे पास जो फॉलिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। अब जब हम फूड को बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं तब हमारे पास जो फॉलिक एसिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसीलिए हमारे पास ये प्रेफर किया जाता है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको हम रॉ कंज्यूम करें, ताकि हमारे पास जो फॉलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी के अंदर ना हो। और हमारे पास जो डेली रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की, दैट इज 50 माइक्रोग्राम के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। अब जो फॉलिक एसिड है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और लिवर के अंदर स्टोर किया जाता है, नॉन टॉक्सिक होता है। फॉलिक एसिड जो है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड के अंदर, और डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड से हमारे पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बन जाता है, और अल्टीमेटली हमारे पास टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12। और हमारे पास जो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है, जो हमारे पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है वो बाइल के अंदर सिक्रीट हो जाता है, जो कि वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब फॉलिक एसिड के हमारे पास क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं? फॉलिक एसिड जो है वो हमारे पास असेंशियल होता है बॉडी के अंदर, जो हमारे पास DNA की सिंथेसिस होती है, और उसके अलावा जो हमारे पास मिथाइल फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास DNA के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और हमारे पास टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो RBCs की जब मैचुरेशन होती है उसके अंदर भी हमारे पास फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर फॉलिक एसिड की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है, डायरिया कॉज हो जाता है, ग्लोसाइटिस कॉज हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और स्टेरिलिटी कॉज हो जाती है। अब फॉलिक एसिड के लिए हमारे पास जनरली 5 to 20 mg की डोजेस दी जाती हैं। और हमारे पास यूजेस क्या क्या होते हैं फॉलिक एसिड के? फॉलिक एसिड हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यूज़ किए जाते हैं, पर्निशियस एनीमिया में यूज़ किए जाते हैं, मालअब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। मिथोट्रेक्सेट जो हमारे पास ड्रग होती है, मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग है, और उसका जो टॉक्सिसिटी हो जाती है उसके अंदर हमारे पास फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है। अब हेमाटोलिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज ब्लड सब्स्टिट्यूट्स एंड प्लाज्मा एक्सपैंडर्स। प्लाज्मा ब्लड सब्स्टिट्यूट्स और प्लाज्मा एक्सपैंडर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? अब हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए तो उस फ्लूइड लॉस को काउंटर करने के लिए किसी फ्लूइड लॉस हो जाए या तो किसी इंजरी की वजह से या फिर शॉक की वजह से, तो हमारे पास क्या किया जाता है उस फ्लूइड लॉस को वापस मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर प्लाज्मा एक्सपैंडर्स दिए जाते हैं या फिर ब्लड के सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं। और हमारे पास अगर एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए या फिर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाए या फिर ट्रॉमा में चली जाए बॉडी, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट जो है वो डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर दे, या फिर एक्सेसिव डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो जाए, तो उसके केस में हमारे पास जो फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो तो यही है कि हम जो ब्लड है या फिर प्लाज्मा है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनको यूज़ कर लें। अब उसके अलावा हमारे बहुत बार ऐसे किया जाता है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या किया जाता है हमारे पास बिना ब्लड को मैच करें हमारे पास कुछ कोलोइडल प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं एक बारी बॉडी के फ्लूइड लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और उसके बाद हमारे पास क्या किया जाता है बैग्स दिए जाते हमारे पास वापस जो है वो ब्लड के सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं। अब होल ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर तो क्या जाता है, अब हमारे पास अगर पेशेंट सर्जरी के अंदर है या एक्यूट हेमरेज हो गया है तो हमारे पास क्या किया जाता है मैच किया जाता है ब्लड को, और हमारे पास प्रॉपर मैचिंग के बाद ही ब्लड बैग्स जो है वो लगाए जाते हैं ब्लड जो हमारे पास फ्लूइड लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए। और उसके अलावा हमारे पास अब ह्यूमन ब्लड जो है वो तो जो हमारे पास जो पेशेंट्स डोनेट करते हैं वहाँ से हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास ड्राइड प्लाज्मा या सिर्फ प्लाज्मा के बैग्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या रिक्वायर्ड है हम उसकी जो है ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। अब ब्लड के अलावा हमारे पास जो कोलोइडल प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट
उसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स यूज होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हमारे पास डेक्सट्रान 40, डेक्सट्रान 70 और डेक्सट्रान 150 यूज किया जाता है। अब जो ये डेक्सट्रान 70 होता है, ये हमारे पास सबसे कॉमनली यूज जो ब्लड प्लाज्मा एक्सपैंडर या फिर जो ब्लड सब्स्टिट्यूट्स हैं उसके अंदर डेक्सट्रान 70 यूज किया जाता है। अब डेक्सट्रान 70 जो है वो हमारे पास प्लाज्मा को 24 आवर्स तक एक्सपैंड हो सकता है और मिनिमम साइड इफेक्ट्स होती है। और उसके अलावा लेकिन कुछ जो हमारे पास डेक्सट्रान 40 है वो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर सकता है, लेकिन डेक्सट्रान 40 जो है ये हमारे पास रैपिडली एक्टिव होता है और हमारे पास ब्लड की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज की स्लजिंग होती है, जो हमारे पास क्लॉट्स बन जाते हैं, वो हमारे पास नहीं होता। अब पॉलीसेकेराइड्स के अलावा बॉडी के अंदर हम पॉलीविनाइल पायरोलिडॉल भी यूज कर देते हैं, पीवीपी सिंथेटिक एजेंट होता है और इसके अंदर 3.5% सॉल्यूशन यूज किया जाता है, नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन ये हमारे पास क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड के साथ इंटरफेयर करता है। उसके अलावा हमारे पास डिग्रेडेड जेलेटिन सॉल्यूशन यूज किया जाता है, 3.5-4% सॉल्यूशन, और ये हमारे पास जो एल्ब्यूमिन लाइक प्रेशर हमारे पास एक्सर्ट करता है, और लेकिन ज्यादा एक्सपेंसिव होता है डेक्सट्रान से। और लेकिन ये जो ड्रग है ये हमारे पास ना तो एंटीजेंस की फॉर्मेशन होती है, ना ही हमारे पास ब्लड को मैच करने की जरूरत पड़ती है। लास्टली हमारे पास हाइड्रोक्सीथाइल स्टार्च यूज किया जाता है फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफ ब्लड, हमारे पास 6% सॉल्यूशन यूज किया जाता है, अमाइलोपेक्टिन होता है और इसके अंदर हमारे पास लेकिन कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स शो करता है। उसके अलावा हमारे पास क्रिस्टलाइन प्लाज्मा सब्सिट्यूट्स यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मल सेलाइन का इंजेक्शन दिया जाता है या फिर हमारे पास डेक्सट्रोज 5% का इंट्रावेनसली आईवी बैग्स दिए जाते हैं। लेकिन और ये जो हमारे पास सब्सिट्यूट जो प्लाज्मा सब्सिट्यूट्स या फिर जो आईवी जो हम सब्सिट्यूट्स देते हैं, ये सारे का हमने ध्यान रखना होता है कि ये जो सारे सब्सिट्यूएंट्स हैं ये हमारे पास प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड हो और तभी यूज किए जाते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हमने हेमाटेनिक्स के बारे में पढ़ा, और हेमाटेनिक्स हमने 3 एजेंट्स कवर करे, एरिथ्रोपोएटिन, विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड जो है ये हमारे पास मैचुरेशन के अंदर काम करते हैं आरबीसीज का, और एरिथ्रोपोएटिन जो है ये हमारे पास रेगुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आया था दैट वाज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या होते हैं? किसी इंजरी के टाइम पे अगर हमारे पास एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तो एक्सेसिव ब्लड लॉस को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है? प्लाज्मा एक्सपेंडर्स लिए जाते हैं। और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कौन से होते हैं? वो हमारे पास बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है उसको वापस नॉर्मल में लाने के लिए हेल्प करते हैं। तो क्या क्या ड्रग क्या क्या एजेंट्स यूज किए जाते हैं हमारे पास? हमारे पास होल ब्लड प्लाज्मा, ड्राई प्लाज्मा यूज किया जाता है। उसके अलावा कोलोइडल प्रिपरेशंस आती हैं जिनके अंदर हमारे पास पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन यूज किया जाता है, या फिर हमारे पास क्रिस्टलाइन प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स यूज किए जाते हैं, या फिर हमारे पास जिलेटिन यूज किया जाता है, या फिर स्टार्च यूज किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोआगुलेंट्स